एक जुलाई से घर खरीदना और घरेलू उड़ान किराया महंगा हो गया है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने सर्विस टैक्स पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी अब घर की कीमत की चौथाई पर 10% सर्विस टैक्स लगेगा। इसके अलावा एयरलाइंस के इकोनॉमी क्लास के किराए पर सर्विस टैक्स लागू हो जाएगा। घर खरीदने की जुगत में अगर आप लगे हुए हैं तो जेबें ढीली करने को तैयार हो जाइए। 1 जुलाई से घर खरीदना महंगा होने वाला है। बजट में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के लिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक घर की कुल कीमत के 1/4 पर 10% की दर से सर्विस टैक्स लगेगा। फर्ज करिए आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान खरीदा, इसकी कीमत है 40 लाख रुपए। टैक्स लगेगा इसकी 1/4 पर, यानी 10 लाख रुपए पर 10%, कुल मिलाकर 1 लाख रुपए टैक्स बना। जिस मकान को 1 जुलाई से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है उन्हें सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। 1 जुलाई से पहले की बुकिंग पर भी ये टैक्स लागू होगा। 10.3% ऑन 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लैट हो गया, तो इससे थोड़ा सा जो बायर है उसको कॉस्ट में रिडक्शन कंसेशनल मिलेगा एज कम्पेयर टू द अर्लियर नोटिफिकेशन। अदरवाइज जो है कॉस्ट तो 2.8% के हिसाब से बढ़ेगा। इसके साथ ही अब हवाई यात्रा भी महंगी होने जा रही है। 1 जुलाई से घरेलू यात्रियों के लिए इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के किराए पर अधिकतम 100 रुपए का सर्विस टैक्स देना होगा, जबकि विदेश यात्रा के लिए अधिकतम 500 रुपए का सर्विस टैक्स देना होगा। ये नई व्यवस्था उत्तर पूर्व के राज्यों को जाने वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगी, यानी सर्विस टैक्स गुवाहाटी, बागडोगरा, शिलोंग और अगरतला जैसे शहरों के लिए उड़ानों पर लागू नहीं होगा। अगर ये हो गया तो इससे लाइफ ट्रैवल एजेंट की, एयरलाइंस की, कस्टमर की, उपभोक्ता की, सबकी सिंपल हो गई। अब तक केवल विदेश यात्रा के लिए फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट पर ही सर्विस टैक्स लगता था। सरकार को उम्मीद है कि हवाई यात्रा पर ताजा सर्विस टैक्स से सालाना 1000 करोड़ रुपए तक वसूला जा सकता है। इस अधिसूचना के लागू होने के बाद आपको घर खरीदना और यात्रा करना महंगा पड़ सकता है, लेकिन ये सिस्टम अगर ठीक तरह से लागू होता है तो इससे न सिर्फ छोटे कारोबारियों को कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। कैमरामैन चंद्र भंडारी के साथ दीपक उपाध्याय, दी बिजनेस, दिल्ली।